स्टूडेंट्स, मैं तस्नीम मोमिन, आई वेलकम यू बैक टू इंग्लिश क्लासरूम। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर फ्रॉम द मोमेंट्स बुक विच इज फॉर द सीबीएसई 9th ग्रेड स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इट इज टेकन बाय द कन्नड़ा फोक टेल्स ऑफ ए के रामानुजन, कन्नड़ा फोक टेल फ्रॉम ए के रामानुजन फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया। तो इन द किंगडम ऑफ फूल्स, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट मूर्खों का राज्य, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इसमें ये पूरे चैप्टर, इट इज जस्ट कॉमेडी टाइप, बहुत इंटरेस्टिंग और काफी कॉमेडी टाइप में चैप्टर है कि यहाँ पे जो राइटर है वो एक स्टोरी डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि एक मूर्खों के राज्य में हो रही है। मूर्खों के राज्य में जो राजा है वो भी मूर्ख है, उसके मंत्री हैं वो भी मूर्ख है, और वो अपना राज्य कुछ अलग तरीके से चला रहे हैं। कुछ तो सब लोगों से हट के वो हरकतें कर रहे हैं, अपना राज्य चला रहे हैं। सो इट इज कॉल्ड एज द इन द किंगडम ऑफ फूल्स। सो गाइज, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। इट इज बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल आर मैनेज देम, कैन मैनेज देम। Who are the fools in this story? What happens to them? Let's see. तो ये क्या है? ये एक लोक कथा है। Folk tales means what? It is a लोक कथा जो बहुत ancient time से चली आ रही है, लोग बोलते चले जा रहे हैं और ये सुनने में आ रहा है, ये चली जा रही है। So in the kingdom of fools, both the king and the ministers were idiots. दोनों की राजा और ministers दोनों भी idiots थे। They didn't want to run things like other kings. So they decided to change night into day and day into night. तो उनको जो अपना राज्य था दूसरे लोगों के तरह उनको नहीं चलाना था, कुछ तो अलग करना था। इसलिए उन्होंने क्या किए, जो सुबह थी उसको रात बना दी और जो रात थी उसको सुबह बना दी। मतलब क्या किया उन्होंने, they ordered that everyone should be awake at night and till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. ये काफी amazing लग रहा है, मतलब कुछ तो अलग ही लग रहा है कि रात भर, रात में हम लोग सोते हैं तभी सब कुछ काम करना है बोले राजा ने, और सुबह में जैसा कि सूरज ऊपर आता है, सूरज जब उगता है तभी जाके सोना है। तो ये तो completely opposite हो गया। Anyone who disobeyed would be punished with death. जो कोई इस ऑर्डर से डिसोबे करेगा, he will be punished to death. The king and the ministers were delighted at the success of their project. अब तो राजा ने मारने का, मतलब डेथ का ही हुक्म दे दिया, तो कौन, किसकी शामत आ गई कि राजा के खिलाफ जाएं? तो सब जो पब्लिक थी, सब जो लोग थे, उन्होंने राजा के और मिनिस्टर्स के ऑर्डर को फॉलो किया। तो राजा काफी, क्या बोलते हैं, डिलाइटेड था। He was very happy by his success. One day a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन क्या हुआ, एक गुरु और उनके शिष्य उस सिटी में आए। It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. तो उनको सिटी तो काफी खूबसूरत लगी, और इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, और काफी चमकदार, काफी रोशनदार, काफी बड़ी सिटी थी, बहुत अच्छी थी। बट देर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन सिटी में कोई भी नहीं था। क्यों? क्योंकि सुबह के वक्त सोना है। सो नो वन वॉज देयर, एवरीवन वॉज एस्लीप, नॉट अ माउस स्टिरिंग, एक चूहा भी नजर नहीं आ रहा था, बोल रहे हैं वो। सब लोग एकदम शांत था, सड़कें एकदम शांत, बाजार एकदम शांत, बिकॉज एवरीवन आर स्लीपिंग। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, जो जानवर थे उनको भी सिखाया गया था कि सुबह में सोना है। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. तो क्या हो गया, ये जो दोनों अजनबी हैं उस शहर में, तो वो अजनबी हैं, तो दिन भर वो घूमते रहे लेकिन कोई उनको नजर नहीं आया। जैसे ही शाम हो गई, जैसे ही सूरज ढलने लगा, तो सब लोग उठ गए। नाइट को उनका उनका जो बिजनेस था नाइट में का, वो तो चालू हो गया, क्योंकि नाइट टाइम तो उनका वर्किंग टाइम है ना। द टू मेन वेर हंग्री नाउ दैट द शॉप्स वेर ओपन, दे वांट टू बाय सम ग्रोसरीज,
To their astonishment, they found that everything cost the same, a single doodoo. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a doodoo. तो क्या है? और उनको एक मजेदार बात क्या नजर आई कि अभी शाम में तो सभी शॉप्स ओपन हो गए, तो अभी उनको भूख भी लगी थी. और टू देयर एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट का मतलब क्या है? अ वेरी ग्रेट सरप्राइज, उनको एक बड़ा सा सरप्राइज, एक झटका बैठ गया उनको, एक क्या बोलते हैं, अचंभित करने वाली बात उनको क्या सामने आई कि कुछ भी परचेस करो, इट इज फॉर ओनली वन डूडू. चाहे तुम क्या बोलते हैं, एक एप्पल ले लो या फिर एक डजन एप्पल ले लो, राइस ले लो, डजन ऑफ सिंगल क्या बोलते हैं, बंच ऑफ बनानास ले लो, सबकी प्राइस सेम है. जैसा कि अभी यहाँ पे अपनी इंडियन करेंसी है रुपीज वगैरह, तो उस टाइम पे डूडूज होता था. सिंगल डूडू में सब कुछ मिल जाएगा आपको. द गुरु एंड हिज डिसिपल वेर डिलाइटेड, दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. तो अभी गुरु और उनके शिष्य क्या हो गए, डिलाइटेड हो गए, दे वर सो हैप्पी नाउ. They didn't. They had never listened about this type of business or ऐसी खरीदारी, ऐसी sale purchasing उन्होंने first time की थी कि सब लोग सब चीज बाबा single डूडू में ही मिलेंगे, means for 1 rupees only सब कुछ मिलेगा. They could buy all the food they wanted for a rupee. तो जितना भी उनको कुछ भी चाहिए था उन्होंने 1 rupee में खरीद लिया. When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay here. There is no place for us. Let's go, he said to his disciple. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food. तो अभी गुरु को realize हो गया कि बाबा कुछ तो गड़बड़ है. शायद ये ना मूर्खों का राज्य है, क्योंकि यहाँ पे सब चीज सेम ही कॉस्ट पे. अभी ऐसे थोड़ी होता है, हर एक चीज का दाम अलग अलग होता है, तो सब चीज एक ही कॉस्ट पे मिल रही है. तो गुरु क्या बोलते हैं उसके डिसिपल को, उसके जो शिष्य को बोलते हैं, यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं, ये तो मूर्खों का राज्य है, हम लोगों को यहाँ से निकलना है. लेकिन उनके शिष्य को तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, क्योंकि कितना चीप फूड मिल गया, बहुत सारा खाने को चीजें मिल गई, बहुत सारी मजेदारी चीजें, चटपटी चीजें खाने के लिए अवेलेबल थी. तो उसको तो बड़ा मजा आने लगा, वो तो खाने का शौकीन था, तो बोलने लगा नहीं अब मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा. द गुरु सेड देयर दे आर ऑल फूल्स, ये सब लोग फूल्स हैं, मूर्ख लोग हैं ये सब लोग. दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये बहुत लंबा नहीं चलेगा. एंड यू कांट टेल दैट दे विल डू, एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम कुछ नहीं बता सकते वो तुमको नेक्स्ट क्या करेंगे, मतलब वो तुमको भी कुछ भी हानि पहुंचा सकते हैं. बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, ही वांटेड टू स्टे. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड व्हाट डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट. द डिसिपल स्टेड ऑन, ate his fill every day, banana and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. तो क्या बोले गुरु ने, तो बोले कि मैं तो यहाँ पे और नहीं रह सकता, तुझको रहना है तो रह. तो डिसिपल वहीं पे रह गया, गुरु चले गए, he left. और वहाँ पे डिसिपल जो उनका शिष्य है वो तो दिन भर दिन खाना खा खा के क्या होगा, मोटा हो गया, लाइक अ सैकर्ड बुल. मीन्स एक हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में कैसे बोलते हैं, जैसे कि नंदी बैल बोलते हैं ना, एक तगड़ा सा मोटा सा बैल होता है, वैसे खाना खा खा के, खाना डोस डोस रोक के वो एकदम फैटी हो गया. वन ब्राइट डे A thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in, and he was carrying out his loot. The wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. तो अभी क्या है यहाँ पे? तो उस मतलब उस राजा के राज्य में क्या हो गया? एक दिन क्या हो गया? एक जो चोर था, वो एक व्यापारी के घर पे चोरी के लिए चला गया. और वहाँ पे क्या किया? उसने एक होल कर दिया. उसने उस दीवार में उसने होल बना लिया और घर पे जाके चोरी करके सब माल लूट कर लेके वो वापस आ रहा था उस होल में से. तो वो क्या हो गई? दीवार है ना, नीचे गिर गई. स्नीक्ड इन मींस
टू गो अवे वेरी क्वाइटली इन डायरेक्शन. मतलब क्या, ही मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन, मीन्स आंख बचाकर चुपके से निकल जाना. तो वो चुपके चुपके से जा रहा था एंड ही वॉज कैरिंग अ लॉट ऑफ हिज लूट का ढेर सारा माल वो अपने कंधे पे उठा के उस दीवार में से पास हो रहा था. तो दीवार काफी पुरानी हो गई तो वो दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया. तो उसका भाई किंग के पास कंप्लेनिंग के लिए चला गया कि मेरा भाई मर गया है. और वो क्या कर रहा था, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग मींस काम कर रहा था हिज एंशिएंट ट्रेड, जो उसका जो पुराना काम है. कौन सा काम है, चोरी करने का वो काम कर रहा था. तो तभी क्या हो गया, वो मर गया और उस मर्चेंट को, दीवार गिरने की वजह से मर गया और इस मर्चेंट को आप पकड़िए क्योंकि उसने दीवार अच्छी नहीं बनाई इसलिए, और हमें न्याय दिलाइए एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर इनजस्टिस, मीन्स बुरे प्रभाव को, इस बुरे प्रभाव को दूर. कंपेंसेट का मीनिंग यहाँ पे दिया है टू रिमूव और रिड्यूस बैड इफेक्ट और समथिंग, जो हमारे ऊपर ये जो बुरा वक्त आया है उसको निकालिए, उसको दूर कीजिए एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस. हमारे साथ में जो अन्याय हुआ है उसको आप दूर करिए, हमको न्याय दिलाइए करके. अब ये तो सबसे मेन बात, जो उसका एंशियंट ट्रेड था चोरी करने का, यही तो वो गलत काम कर रहा था. ये तो अभी वो राजा को ध्यान में आया नहीं. इससे हम लोगों को पता चलता है ये सब कुछ है ना मूर्खों के राज्य में होता है, और उसके मंत्रियों को भी पता चला नहीं. और अब यहाँ चोर चोरी कर रहा है ये बड़ा गुनाह है, या फिर वो दीवार उसके ऊपर गिर के मर गई ये वाला गुनाह है. तो ये सब कैसे मूर्खों के, इन द किंगडम ऑफ फूल्स ही हो सकता है. तो द किंग सेड, अभी किंग क्या बोलता है देखो, जस्टिस विल बी डन, हाँ न्याय तो मिलेगा, डोंट वरी, अब तुम परेशान मत हो, डोंट वरी, तुमको न्याय जरूर मिलेगा. एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस. समन मींस, समन का मीनिंग क्या है, टू ऑर्डर अ पर्सन टू कम टू अ प्लेस. तो एक झटके में क्या किया, किंग ने ऑर्डर दे दिया, उसको बुलावा भेजा कि उस मर्चेंट को बुलाओ करके, उस हाउस के ओनर को बुलाओ. When the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name? Such and such, your highness." तो किंग ने उसको नाम पूछा तो उसने नाम बताया कुछ तो भी उसका. Were you at home when the dead man burgled your house? Were you at home when the dead man burgled your house? Burgle means theft, या फिर हाउस ब्रेकिंग, मतलब जब ये तुम्हारे घर पे ये चोरी कर रहा था, जब ये तुम्हारे घर पे चोरी हो रही थी तब तुम्हारे घर पे थे क्या? तो यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, इट फेल ऑन देम. हाँ जी मैं था वहाँ पे, वो उसने जो वॉल ब्रोक की थी वो वीक थी और उसके ऊपर गिर गई. द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू. तो क्या है, तुमने एक आदमी का खून किया है, मर्डर किया है, वो दीवार है आदमी के ऊपर, इसके भाई के ऊपर गिर गया और वो मर गया. लॉर्ड, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट ऑन द वॉल, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम. अब ये भी जवाब में क्या बोल रहा है, इसमें मेरी तो गलती नहीं है, ये दीवार जिसने बनाई है उसको आप पनिश करवा दो, ये दीवार तो मैंने नहीं बनवाई. Who is that? King पूछता है कौन है वो. My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. ये जो दीवार थी ये मेरे father के time पे बनाई हुई थी और मैं उस man को जानता हूँ. अभी वो काफी बूढ़े हो चुके हैं और वो करीब में ही रहते, पास में ही रहते. The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They bought them. Tied hand and foot. तो अभी किंग उसके मैसेंजर्स को वो आदमी को बुलाने के लिए भेजता है जिसने वो दीवार बनाई. You there? Did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did. तो वो पूछता है तुमने ही मेरी ये दीवार बनाई थी क्या? तो बोलता है जी मैंने ही बनाई थी. What kind of a wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. देखो तुमने कैसी दीवार बनाई, एक पुअर मैन, एक गरीब आदमी के ऊपर, एक बेचारे आदमी के ऊपर वो दीवार गिर गई
और वो मर गया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसको मार डाला, तुमने उसका खून किया, तुमने उसको मार डाला। यू वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, और तुमको अभी डेथ की पनिशमेंट दी जाएगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर प्लीक्लेयर प्लीडेड, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकलेट्स गिंगलिंग, एंड आई कुडंट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, वी मस्ट लुक इन टू इट, इट इज नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, लेट्स गेट दैट डांसर वेर एवर शी इज। तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अब इस पे गलती किसकी है, वो डांस मेरा माइंड डाइवर्ट कर रही थी। कौन डाइवर्ट कर रही थी, डांसिंग गर्ल, वो है ना वहाँ पे सीढ़ियों पर से अप एंड डाउन कर रही थी और उसके जो एंकलेट्स, उसके जो पैरों में जो पहनते हैं एंकलेट्स, उसके आवाज़ की वजह से मेरा माइंड उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और मेरा काम पे ध्यान नहीं लगा। तो क्या अभी क्या बोल रहे, हाँ ये तो केस काफ़ी डीप होता चला जा रहा है, चलो अब उसको वो डांसिंग गर्ल को बुला लेंगे। द डांसिंग गर्ल नाउ एंड ओल्ड वुमन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, अभी डांसिंग गर्ल भी क्या है बूढ़ी हो चुकी है और ट्रेम्बलिंग मीन्स ऐसे थ्रिल में फ्लटरिंग, ऐसे शेकिंग करते हुए, वाइब्रेटिंग करते हुए, जैसे बूढ़े लोगों की जो है बॉडी हिलते रहती है वैसे उसकी बॉडी भी हिल रही थी, हिलते हुए कोर्ट में आती है। ड्यू डी वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट मेनी ईयर्स एगो व्हाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम, तुम क्यों, तुमने ही वो ऊपर नीचे कर रही थी स्ट्रीट पे, रास्ते पे आना जाना बार बार तुम्हारा चालू था जब ये पुअर मैन वॉल बना रहा था, दीवार बना रहा था। यस माय लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, तो क्या बोलती है, जी हाँ मैं या मुझे अच्छी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट्स गिंगलिंग, तो तुम्हारे जो पैरों में जो ये थे एंकलेट्स थे उसकी आवाज़ की वजह से वो उसका माइंड डाइवर्ट हो गया। यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसके वजह से उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसने एक कमजोर दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू हैव टू बी पनिश्ड, और ये दीवार अब एक इनोसेंट मैन के ऊपर गिर गया है और वो क्या बोलते हैं मर गया है और तुमने उसको मारा है और तुमको अभी पनिशमेंट मिलेगी। She thought for a minute and said, "My lord, wait. I know why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses. Said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. So, lord, it was not my fault. It was the fault of द गोल्ड स्मिथ, जिसको मैंने थोड़ा सा सोना दी थी क्या ज्वेलरी बनाने के लिए, लेकिन दिन भर उसने मैं अभी दूंगा तभी दूंगा करके टालते रहा और मुझे दिन भर नहीं दिया और डजन्स ऑफ टाइम्स मैंने उसके घर पे आना जाना मेरा होता चला जा रहा था, हो गया था। दैट वॉज वेन हिज ब्रिकलेयर सॉ मी, इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट इज द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, और तभी मुझे इस ब्रिकलेयर ने इस आदमी ने जो कि दीवार बना रहा था, इस मैशन ने मुझे देखा और इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, एक फॉल्ट सब गोल्ड स्मिथ का है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, वेइंग द एविडेंस वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लीस्ट, गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर ही इज हाइडिंग एट वंस। तो अभी ऑर्डर क्या मिलती है, अभी गोल्ड स्मिथ को लेके आने की ऑर्डर मिलती है। द किंग्स बेलीव सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, वेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल। तो किंग के जो बेलीव्स हैं, एन ऑफिसर हुज जॉब इज टू टेक द पोजिशंस एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल हु कैन नॉट पे देयर डेब्ट्स, ये एक बेलीव्स का जॉब है, लेकिन यहाँ पे कैसे है, मिनिस्टर्स भी हैं उसके या फिर कोई उसके अधिकारी हैं, तो वो उसको गोल्ड स्मिथ को लाने के लिए चले गए शॉप पे। वेन ही हर्ड दैट एक्यूजेशन, एक्यूजेशन मीन्स जब उसको उस आरोप का अपने ऊपर आरोप है ये पता चल गया, तो उसकी भी एक स्टोरी है, स्टोरी थी। माय लॉर्ड ही सेड आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो
काफी गरीब गोल्डस्मिथ हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर। आई गेव हर एक्सक्यूजेस बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर। आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन वेयर रिच मैन आर। तो अभी क्या बोलता है, ये तो मेरी गलती नहीं थी, ये किसकी गलती थी? एक रिच मैन, उसने मुझे ऑर्डर दी थी, रिच मर्चेंट ने ज्वेलरीज बनाने के लिए। उसके घर पे शादी थी, वेडिंग, तो उसके ज्वेलरीज बनाने में मैं बहुत एंगेज था और मैं इसका ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाया टाइम पे। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग द पुअर मैन्स ज्वेलरी? मेड हर वॉक अप एंड डाउन विच डिस्ट्रैक्टेड द ब्रिकलेयर विच मेड अ मेस ऑन हिज वॉल विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम। कैन यू नेम हिम? तो कौन है वो, बोलता है अभी उसका नाम बताओ। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, थॉट द किंग, बैक टू द मर्चेंट। व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट ही अराइव्ड क्राइंग, इट वॉजेंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज डेड, आई एम इनोसेंट। तो अभी घूम फिर के क्या हो गया, कौन था वो मर्चेंट? उस घर का ओनर ही था। तो अभी किंग क्या बोलता है, घूम फिर के अभी कल्प्रिट का तो पता चल गया है, ये तो इसी घर का ओनर है। तो फिर वो ओनर क्या बोलता है, वो तो मैं नहीं था, जो ज्वेलरीज ऑर्डर किए थे वो मैंने था, वो तो मेरे फादर थे और वो अभी मर चुके हैं, मैं तो इनोसेंट हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसिसिवली। उन्होंने अपने रूलू अपने जो मंत्री थे उनके साथ में डिस्कस किया और अपना जो क्या बोलते हैं अपना डिसीजन दिया। इट इज ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ही इज डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। यू हैव इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब क्या, टू रिसीव प्रॉपर्टी मनी फ्रॉम समबडी हु हैज डाइड। तुम तो उसके वारस हो। एवरीथिंग फ्रॉम यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। तुमने तुम्हारे फादर की तरफ से तुमको विरासत में बहुत कुछ मिल गया है। His riches as well as his sins, और उसके अच्छे कीमती सब चीज़ें भी मिल गई और उसके सब sins भी मिल गए। I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. तो क्या बोलते हैं, मैंने तुमको पहली नज़र में पहचान लिया था कि बाबा तुम ही criminal हो और तुमको अभी मरना है। And he ordered a new stake to be made ready for the execution. As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. अभी क्या हो गया? तो उसने sorry एक stake बनाने के order दे दी servants को। एक जो भाले के जैसा एक शार्प जो होता है धारेदार, जिसको काफी शार्प होती है, ऐसा एक हथियार बनाने की ऑर्डर दी। तो उसके जो सर्वेंट से उन्होंने बना लिए और जब भी उसको फाइनल उसको मारने वाले थे तभी क्या ध्यान में आ गया, व्हाट शैल वी डू, ही सेड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन इनफ टू फिट द स्टेक। तो वो स्टेक में फिट होने वाला एक फैट मैन चाहिए था, लेकिन ये जो क्या बोलते हैं ये जो थे मर्चेंट का बेटा जो था वो तो काफी थिन था। तो अभी राजा क्या बोलता है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेक में तो काफी मोटा ताजा आदमी चाहिए हम लोगों को। द सर्वेंट्स वेर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक। तो अभी उसने सर्वेंट्स को पूरे टाउन में भेज दिया कि इस स्टेक में, इस ढांचे में, इस स्टेक में फिट होने वाला आदमी ढूंढ के लाओ। एंड देयर आईज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फैटन्ड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानास एंड राइस एंड वीट एंड घी। तो उनकी नज़र किस पे पड़ी, उस शिष्य पे पड़ी जो कि काफी खाना वाना खा के एकदम काफी मोटा हो गया था। What have I done wrong? I'm innocent. I'm a sannyasi. He cried. तो बोलता है मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो एक सन्यासी हूँ, तो करके वो रोने लगा। That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. वो तो सही है, लेकिन हम लोगों को राजा ने हुक्म दिया है कि ऐसा फैट मोटा ताजा आदमी लेके आओ जो कि इस स्टेक में फिट हो सके। He remembered his wise guru's words
दिस इज द सिटी ऑफ फूल्स, तो उसको अभी याद आया कि उसके जो गुरु थे उसने बोला था कि ये मूर्खों की सिटी है, इट इज द किंगडम ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का राज्य है, यहाँ से चलो, लेकिन वो गया नहीं. यू डोंट नो दैट दे विल डू नेक्स्ट. वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज. द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, ही हैड मैजिक पावर्स, ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एंड ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट. ही अराइव्ड एट वंस एट सेव टू सेव हिज डिसिपल हु हैड गॉट हिमसेल्फ इन टू सच अ स्क्रेप थ्रू लव ऑफ फूड. तो अभी क्या होता है, तो वो गुरु से अपनी आंखें बंद करके प्रे करता है कि मुझे आप मदद करो, मैं काफी मुसीबत में हूँ. और गुरु को कैसे मैजिकल पावर्स होते हैं, वो पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, सबको देख पाते हैं. तो उन्होंने उसकी जो प्रेयर है सुन ली और वो फौरन से वहां पहुंच गए अपने शिष्य को हेल्प करने के लिए. एज सुन एज ही अराइव्ड ही स्कोल्डेड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर. उनको उसने डिसिपल को उसके शिष्य को डांटा और धीमे से आवाज में उसको कुछ तो भी कहा. देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल. तो क्या बोलते हैं, ए सबसे हुशार, ए सबसे हुशार और समझदार राजा, और ए सबसे महान राजा, सबसे बड़ा कौन है, शिष्य या फिर गुरु? तो फिर ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क. तो क्या बोलते हैं, बेशक सब गुरु ही सबसे बड़ा है. देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी. तो क्या बोलते हैं, मुझको पहला स्टेक में डालिए, फिर मेरे डिसिपल को डालिए. व्हेन द डिसिपल हर्ड दिस ही अंडरस्टूड एंड बिगन टू क्लैमर, मी फर्स्ट, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम. द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इन टू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट. The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, "Why do you want to die?" He chose him because we needed a fat man for the stake. तो अभी क्या हो गया? ये गुरु जो डिसिपल और जो गुरु है वो दोनों झगड़ा करने लगे, मैं पहले जाऊंगा. मतलब वो दोनों क्या करने लगे, बहस करने लगे, मुझे पहले मरना है, मुझे पहले मरना है. तो फिर किंग एकदम शॉक हो गया कि तुम लोग ऐसे बहस क्यों कर रहे हो मरने के लिए. तो हम लोगों ने तुम्हारे डिसिपल को लाया क्योंकि हम लोगों को फैट आदमी चाहिए था इस टैग पे मारने के लिए. यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु. आप मुझे कुछ मत पूछो, मुझे पहले मारो, मुझे पहले मारो, बोलता है. व्हाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड. विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क द गुरु. तो क्या पूछ रहे हैं, कोई मिस्टीरियस चीज है क्या, कोई मिस्ट्री है क्या इसके पीछे? तो फिर किंग वो गुरु किंग को क्या बोलता है, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस करो, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, लेकिन आप मुझे पहले स्टेक पे लेटाएंगे और मारेंगे, मुझे प्रॉमिस करो. द किंग गेव हिम हिज सोलोमन वर्ड. तो किंग बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, तुम मुझे बताओ, मैं तुमको ही मारूंगा. द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम, डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, द टू ऑफ अस, वी हैव बीन all over the world but we ever never found a city like this or a king like you. That stake is the stake of the god of justice. It is new, it has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as the country of this country, king of this country. So abhi kya bolte hain, guru hai na, जो राजा को है उसको साइड में लेके जाते हैं, मंत्रियों के मिनिस्टर्स से साइड में लेके जाते हैं और बोलते हैं, क्या है पता है, ये स्टेक पे आज तक कोई क्रिमिनल नहीं मरा है, इट्स न्यू. तो हम लोग पूरे वर्ल्ड वाइड घूम चुके हैं लेकिन हम लोगों ने ऐसा राज्य और ऐसे राजा और ऐसे मिनिस्टर कहीं भी नहीं देखे. ये है ना, इट्स क्या बोलते हैं, स्टेक इज द स्टेक ऑफ गॉड जस्टिस. ये भगवान की न्याय की स्टेक है और इस पे जो कोई पहला मरेगा तो ये पूरा किंगडम का किंग बनेगा और जो दूसरा मरेगा ये किंगडम का मिनिस्टर होगा. एंड हुएवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री. वी आर सिक ऑफ आवर एस्केटिक लाइफ. हम लोग परेशान हो गए, हम लोगों को बस हो गए हमारे एस्केटिक लाइफ, मीन्स क्या, इस सन्यासी की लाइफ से हम लोग बस परेशान हो गए हैं. और हम लोगों को भी अभी थोड़ा रॉयल लाइफ जीनी है, इसलिए मैं पहला मरना चाहता हूँ ताकि मैं किंग बनूं. इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर्स फॉर अ वाइल. नाउ कीप योर वर्ड माय लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट, रिमेंबर. हाँ, तो अभी आप अपना अपने जो वचन है पूरा करो और मुझे पहले मरने दो.
किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट. अभी वो किंग क्या है, एक गहरे विचार में चला गया. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. उसको किंगडम नहीं खोना था. He don't want to lose the kingdom. He needed time. वो क्या बोलते हैं, मुझे वक्त चाहिए, उसको वक्त चाहिए था. So he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. It's not right for us to give our the king over the kingdom to others in the next life. Let's go on the stake ourselves and we will reborn as king and minister again. Holy man, do not lies, he said, and the ministers agreed. अभी उसने सब कुछ उसके ministers को बता दिया है, जो कुछ जो holy man ने बताया, गुरु ने बताया. और क्या बोलते हैं, अभी हम लोग ऐसे हमारा राज्य किसी के हाथ में नहीं दे सकते, इसलिए stake पे पहले मैं जाऊँगा, फिर तुम लोग मरोगे. और सब ministers भी ready हो गए. So he told the executioners, well, send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first. Then to the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistakes. तो क्या बोलते हैं, criminals को रात में छोड़ दो और तुम्हारे पास में जो पहला आदमी आएगा उसको पहले मारो और बाकी जो बाद में जो आएंगे उनको बाद में मारो. ये मेरी order है, इसलिए कोई mistake मत करना. At night, the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed. तो क्या गया? तो king और उनके minister चुपके से उनके जगह पे चले गए और जो guru और disciple को छोड़ दिया गया था उनके जगह पे ये दोनों चले गए. When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. और जब ये bodies फेंकने के लिए क्रोज और वल्चर्स को, मतलब मरने के बाद में अब वो तो मर चुके हैं, फेंकने के लिए लोग गए तो अभी वो पैनिक हो गए, डर गए. दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर्स. द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन. अभी उन्होंने बॉडीज किसकी देखी, किंग की और मिनिस्टर्स की देखी और वो काफ़ी घबरा गए. ऑल नाइट दे मॉर्न्ड एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम. सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल एंड गॉट देम As they were preparing to leave town unnoticed. अब लोगों को इस राज्य के बारे में बहुत फिक्र होने लगी, अभी कौन हमारे पे रूल करेगा. तो उनके ख्याल में गुरु और डिसिपल आ गए, तो वो तो अभी जाने को निकले थे. They are preparing to leave the town unnoticed. वो तो चुपके से उस टाउन को छोड़ के जाने के लिए निकले थे. We people need a king and a minister, said someone. हम लोगों को एक राजा और मिनिस्टर की ज़रूरत है. Others agreed. They begged the guru and the disciple to be their king and the ministers. उन्होंने जो शिष्य और गुरु के सामने beg किए कि तुम आप लोग हमारे minister और king बन जाओ. It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. जो शिष्य को मनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, वो तो मान गए minister होने के लिए, लेकिन जो गुरु थे उनको थोड़ा वक्त लगा, उनको थोड़ा मनाना पड़ा कि आप किंग की पोजीशन ले ले. दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर्स ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द लॉज. ठीक है, तो वो यहाँ पे रूल करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन गुरु ने क्या कहा कि एक इसके लिए क्या है, कंडीशन है कि मैं सारे लॉज चेंज करूँगा. From then on, night would again be night and day would again be day and you could get nothing for you to do. It became like any other place. तो अभी सभी तमाम जो रूल्स थे पहले के वो चेंज हो चुके हैं. रात को रात के काम होंगे, दिन को दिन के काम होंगे और एक डूडू में कुछ नहीं मिलेगा. जिसकी वैल्यू जितनी है उसका प्राइस उतना भरना पड़ेगा. बाकी सब अभी क्या हो गया, पहले जैसे जैसे दूसरे जगहों पर चलता है वैसे ही यहाँ पे रूल्स भी लागू हो गए. सो गाइज, इट वॉज एन अमेजिंग एंड सम वॉट कॉमेडी टाइप ऑफ स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स. I hope you have understood the story and you have understood the each and every meanings of the new words. Thanks for watching my videos. If you're having any queries, don't forget to comment me. Okay, thank you.